और ये कल्चरल प्रॉब्लम एडजस्टमेंट्स के बाद ही शुरू होगा, तो आप लोग प्लीज शांत रहिए जी, क्योंकि मुकेश जी के विशेष अनुरोध पर वो रखा गया है। नहीं नहीं, और बोरिंग हो रहा हूँ तो मैं जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। चंदा एक्टर मेरा पूछ रहा अल पचीनो। लंबा चाहते जी। अल पचीनो। अल पचीनो एक्ट्रेस। एक्ट्रेस में नरगिस जी। फेवरेट सॉन्ग किशोर जी का? आंधी का गाना, हाँ किस मोड़ पे आते हैं। लता जी का? लता जी का बाहों में चले आओ। खाली समय पे क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में पढ़ना पसंद करता हूँ और कुछ भी पढ़ सकता हूँ, खासतौर पे साहित्य। आपके जीवन की सबसे बुरी तारीख? 14 जून जब मेरी माँ नहीं रही। सबसे अच्छा दिन आपके जीवन में? जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्ट हुआ। क्या आप अपना नाम बदलना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, माँ बाप का दिया हुआ नाम है, मैं कभी नहीं। सबसे बड़ी झुंझलाहट? कि मैं सामान्य क्यों नहीं हूं। आपकी कष्टप्रद आदत? टू मच ऑफ थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं? यदि आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो अभी तक मेरी फोटो लगी होती वॉल पे। आपको क्या लगता है सबसे गंदा व्यक्ति कौन है? जैसे कबीरा कहते हैं कि जब अपने आप को आप देखते हैं तो आपसे गंदा व्यक्ति कोई नहीं होता है। पसंदीदा किताब? सबसे अच्छी जो मुझे लगती है वो है आदरणीय प्रेमचंद जी की गोदान। आप अपने स्वयं के बारे में क्या याद रखना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे ये याद रखना चाहूंगा कि मैं क्रिकेट के मैदान पे लगातार घंटों क्रिकेट खेल रहा हूँ, पीटीसी ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ, और कभी घर जाने की याद नहीं आ रही है, ना भूल करो। छुट्टी मनाने का पसंदीदा स्थान? वैसे तो मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। किसके साथ? ये फिल्म वालों के चरित्र पे बड़ा उंगली उठाई जाती है कि किसके साथ, अरे अपने साथ ही मनाऊंगा ना। पसंदीदा खेल? पसंदीदा खेल आई लव सॉकर, फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है। आप ये बताइए किसी सेलिब्रिटी को 10 में से 10 अंक देने पे किसे देंगे? अजय देवगन। खाने का पसंदीदा स्थान? कोई होटल? खाने का मेरा पसंदीदा स्थान दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि तो पैसा नहीं हुआ करता। चलिए बता दीजिए प्रिय व्यंजन। प्रिय व्यंजन मुझे भिंडी बहुत पसंद है। सबसे बड़ा डर? कि मैं इससे ज्यादा ईगोइस्ट ना हो जाऊं। आपकी शक्ति? मेरी माँ के दिए हुए संस्कार। आपकी प्रेरणा? मेरे परिवार के सबसे बड़े भाई राजन तिवारी जी, जो अभी नहीं है। आपके वास्तविक जीवन में किस व्यक्ति से मिलने की अभी भी इच्छा है? मैं दलाई लामा से मिलना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो तारीफ की तरह लगती है लेकिन वास्तव में वो अपमान है? अपमान? एक घटिया सी पिक्चर में काम करो, कोई बोल के चला जाएगी बहुत शानदार काम किया था। आपको घायल करने का विनम्र तरीका? मैं बचपन से ही घायल हूं, मरहम का कोई तरीका और तो बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी ओर से, किसके साथ डांस करना चाहते हैं? निश्चित, हाथ उठा रहे हो। डांस विद द वुल्व्स। कौन सा रोल निभाना बाकी है ये मैं निश्चित नहीं कर पाता हूँ। इस मामले में बहुत कम महत्वाकांक्षी हूँ, क्योंकि ये मैं निर्देशक पे छोड़ना चाहता हूँ कि वो मेरे विषय में क्या सोचता है, नहीं तो वसूली कभी नहीं बन पाता, क्योंकि रोहित शेट्टी यदि नहीं सोचेंगे मुकेश तिवारी करेगा। पसंदीदा फिल्म? पसंदीदा फिल्म इज माय सिनेमा पैराडाइजो। आपकी खुद की पसंदीदा? मेरी ये कहना उन 200 निर्देशक और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ अन्याय हो जाएगा कि जिन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में चुना है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नहीं पहुंच पाती हैं। एक फिल्म मैंने की थी हार्ट द वीकली बाजार,
वो सीमा कपूर जी ने डायरेक्ट की थी और वो आज तक दिन की रोशनी नहीं देख पाई। फेवरेट विलेन राम साहब? माउंटेन या बीच? बीच। बेस्ट हॉलीवुड फिल्म? बेस्ट हॉलीवुड फिल्म में तो गन्स ऑफ द नेवरॉन। राइट। रंगमंच या सिनेमा? कहने को तो मतलब बहुत ही कूटनीतिक तरीके से कहूँ तो रंगमंच, लेकिन वर्तमान में सिनेमा। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें लगा कि आप शून्य हैं? ऐसा कौन सा वाक्य है? ऐसा कौन सा वाक्य आपको याद आ रहा है जिसमें आपको लगा कि आप शून्य हो गए? सत्यजीत रे ने बोला था कि बहुत ही बड़े एक्टर हैं। आप बहुत ही बड़े के बीच में एक पॉज था। आपकी हॉबी? हॉबी आई लव रीडिंग, स्विमिंग। फाइव स्टार होटल की चाय या विश्वविद्यालय की टपरे की चाय? विश्वविद्यालय की टपरे की। फेवरेट देशभक्ति की? फेवरेट देशभक्ति की ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में बंद होता। तीन बत्ती है वर्ली मुंबई? आई लव तीन बत्ती। आपको भगवान का दिया हुआ अमूल्य रत्न? अब ऑडियंस या गुस्सा या प्यार? मुझे गुस्सा से थोड़ा प्यार है। गुरु किसी? गुरु किसी की यही कि एक ही दिन में मत सब कुछ सीख जाओ। पूछिए नहीं गुरु। आदरणीय विश्वविद्यालय में बैठा हूँ तो विष्णु पाठक जी, और रंगमंच में मेरे बहुत गुरु रहे हैं, लेकिन मैं सत्यजीत दुबे जी को बहुत मानता हूँ जो कि इसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, और मैं विश्व का उन्हें एक बेस्ट टीचर मानता हूँ एक्टिंग का, आदरणीय सत्यजीत दुबे जी। और इसी सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में वो पढ़े हैं और उनके जैसे अंग्रेजी मैंने किसी की नहीं देखी। आप अपने बारे में क्या याद करना चाहते हैं? कि कभी मैं इनोसेंट था। खाली समय चिंतन या मनोरंजन? चिंतन। सागर या मुंबई? ऑब्वियसली सागर। अगर किसी की लाइफ में झांकना हो तो किसकी लाइफ में झांकेंगे? एक तो मुंबई में बड़ा टेंशन है, वो वैसे ही बिना झांके भी झांक लेते हैं। पसंदीदा निर्देशक? निश्चित तौर पे इसमें थोड़ी सी मुझे स्वतंत्रता दे दो, वैकल्पिक किसी एक का नाम लूंगा तो निश्चित तौर पे मुझे जिन्होंने पहली बार तराशा, राजकुमार संतोषी एंड रोहित शेट्टी। पसंदीदा नेता? पसंदीदा नेता मुझे चेन्नई है जयप्रकाश नारायण जी को बहुत पसंद। पसंदीदा नाटक? पसंदीदा नाटक मेरा है जो कि मैं कभी नहीं कर पाया, इब्सन का डॉल्स हाउस। पसंदीदा अभिनेता? मैंने अल पाचिनो कहा था। नहीं, भारतीय। अच्छा भारतीय हॉलीवुड। निश्चित तौर पे ये फिर अन्याय होगा क्योंकि अलग अलग मूलधने अलग अलग विधाओं के हैं, लेकिन इनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, नसुद्दीन शाह। सागर विश्वविद्यालय का वो पसंदीदा स्थान जहाँ बार बार बैठना चाहते हैं? निश्चित तौर पे वो समोसे की दुकान है कि नहीं जहाँ उधार में खाते थे। अच्छा वो सेंटर पॉइंट बन गया, नहीं तो हम लोगों का टपरा था वो पहले। अंतिम दो सवाल है, अधूरी ख्वाहिश? अधूरी ख्वाहिश मुझे एक तो ख्वाहिश नहीं है मेरी कोई भी, अधूरी ख्वाहिश यही है कि अब चिरौनी की बर्फी नहीं खाता हूँ, एक आध बार आधा किलो खा लेंगे। आपका सपना? मेरा सपना काश मैं बिना ताल में फेल हुए पूरा गाना गा दूं। अंतिम सवाल आपकी ओर से, पहला क्रश? बहुत इजी है, जीना तमाम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम सवाल जो आपने बोला तो कुछ मुकेश छुपा रहे कि जब इनकी शादी हुई थी तो मैं नहीं कराई थी। मैं कोर्ट में मैं लेके गया था दोनों को, सागर कोर्ट में, तो दोनों जन एक साथ पढ़ते थे निश्चित स्कूल ऑफ ड्रामा में। और मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि इनकी जो वाइफ है वायलेट नजीर, वो इनसे कहीं बिल्कुल वो गलत भी हो सकते थे, इनसे कहीं बेहतर एक्ट्रेस है वो, और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है वायलेट वो। और उन्होंने लेकिन कभी उसके बाद शादी के बाद पता नहीं क्यों रंगमंच भी नहीं किया और फिल्में भी नहीं की पायलट में। तो जीना तमान कह जरूर गए हैं
लेकिन थोड़ा सा कहीं इसमें गड़बड़। देखो पुरुष का एक बार क्रश नहीं होता है, जबरदस्ती की आदर्श स्थापित करने की मेरी आदत नहीं है, तो मैं भी कई बार पकड़ा गया हूँ, तो आई एम सॉरी अभी नहीं बता सकता। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा और इस उदंडता के लिए क्षमा भी चाहूंगा कि आदरणीय ललित मोहन जी यहाँ पर हैं, और प्लीज आइए, आप मंच पर आमंत्रित हैं, आपका भी मेरे जीवन में बड़ा गहन योगदान है, सघन योगदान, तो प्लीज। बुंदेली नृत्य की प्रस्तुति हो गया।